आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। आज मंडलगुड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे एग्जीबिशन ओपनिंग करे, अभी एग्जीबिशन लगा सवाल राजरेड्डी साहब को, अदे विधंगा हमसे साथ हमारे बड़े लोग माजी एमपीटीसी मालिंगम गौड़ साहब, बबलू साहब है और सिद्धू है, सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारा बल्लेगुड़ा प्रजा पब्लिक सब लोग आके आप यहाँ पर अभी देखे तो मच्छियों को एक एक मच्छिया 12.5 लाख रुपए का, अब 9 लाख का बोल रहे हैं। अभी देखे तो भी बहुत हमारा अफसेस हो रहे हैं, हम लोग अब तक नहीं देखे हैं। अपने पब्लिक क्या बोल रहे हैं, आप बच्चों को भी बताए तो अब नाले जा सकता है। आज भी अभी देखे तो एक आदमी भी डाल दिए तो उसमें मच्छर के 5 मिनट में आप एक चूरा भी नहीं सर का खाते बोल के बोल रहे हैं। अफसर बात है पर इतना बड़ा हमारा बड़े लोग हैं, जमीन दे के एग्जीबिशन वालों को सपोर्ट कर दिए तो हम बड़ा लोगों को शुक्र अदा करता हूँ। अभी पब्लिक आप भी मीडिया को भी शुक्र अदा करता हूँ, पब्लिक थोड़ा आप लोग मीडिया में बता दिए तो हमारा बल्लेगुड़ा कॉर्पोरेशन पूरा पब्लिक आके देख ले के क्या होता बोल के बच्चों को बताते बोल के शुक्र अदा कर रहा हूँ। पहली बार हमारा बल्लेगुड़ा जागीर सन सिटी में अंडर वाटर टनल एक्सपो एग्जीबिशन आज से ही चालू हुआ है। आज हमारा उद्घाटन के लिए आए हुआ मेहमान लोग को हमारा धन्यवाद, मैं सब आया है यहाँ पे और कारपेंटर साहब लोग भी बहुत लोग आए हुए यहाँ पे। ये एग्जीबिशन जो है 60 दिन यहाँ पे चलने वाली है, ये अंडर वाटर टनल एक्सपो है। इसके अंदर कम से कम 3000 मच्छी के ऊपर मच्छियाँ यहाँ पे हम लोग ने डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें 750 वेराइटीज ऑफ फिशेज भी हम लोग इधर लगा के रखा हुआ है। इसमें अरापैमा है, अरापैमा गोल्ड है यहाँ क्योंकि इसकी कॉस्ट है कम से कम 12.5 लाख रुपया इसका कीमत होता है। ये किधर भी नहीं है इंडिया में, एक ही पीस हमारे पास है। इसके साथ अलीगेटर गार यानी बहुत किस्म का मच्छियाँ, नाम हर एक का तो बोलना, 750 मच्छी का बोलना तो बहुत देर लग जाएगा आपको। हमारे पास इधर जो टनल लगा हुआ है ये कुकरपल्ली से भी बड़ा टनल है, क्योंकि कुकरपल्ली में मैंने लगाया था वो कल एग्जीबिशन वहाँ पर बंद हो गया, वो होते ही इधर का लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग बल्लेगुड़ा एरिया में लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत व्यूवर्स हमारे आया था और ये लोग क्या है हमारा वेबसाइट में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे लगाने के, इसी कारण ये बारिश के टाइम में हम लोग इधर लगाया। इसका अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा ही स्टॉल्स भी डिस्प्ले हुआ है, इसके साथ साथ कम से कम 23 के ऊपर झूला भी हम लोग ने इसके अंदर लगाया गया। और जो भी पब्लिक यहाँ पे आता है इसको विजिट करने के लिए वो लोग सबको जो पार्किंग भी हम लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है, वैसे ही एग्जीबिशन तो डस्ट फ्री एग्जीबिशन है, पूरा कारपेट लगा के रखा हुआ है। बारिश में भी अगर पब्लिक आए तो उन लोगों का मतलब नहीं बिकने का जैसा दुकान है, पूरा कंस्ट्रक्शन जो है पूरा आयरन का किया हुआ है, कोई भी दुकान में भी वो लोग कर सकते हैं। और टनल के अंदर भी पूरा जो है कवर्ड सीट है इसके अंदर भी वो लोग करने का व्यवस्था किया हुआ है। और इस एग्जीबिशन का बारे में अगर बोलना है तो ये इंडिया में सबसे बड़ा एग्जीबिशन है और इसके साथ साथ इसका टाइमिंग जो है अगर दिन में अगर बच्चे लोग आना चाहते हो तो 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आ सकते हैं, मतलब कॉमन डे हर एक दिन भी इधर 12 बजे से एग्जीबिशन चालू होता है, रात को 10 बजे तक एग्जीबिशन।